सेल मी दिस पेन, हाउ यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीबडी। बेचना बुरी बात नहीं है, बेचना आना चाहिए हर किसी को। हाउ कैन ऑर्डिनरी सेलमैन बिकम अ ग्रेट सेल्समैन, बिकॉज पीपल डोंट बाय फॉर द प्रोडक्ट बट दे एक्चुअली बाय फॉर द मीनिंग बिहाइंड दैट प्रोडक्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद साद बिन मुशर्रफ वंस अगेन विद दिस चैनल। एक्चुअली आज हम सीखेंगे कि कोई भी चीज़ किसी को अगर हमने सेल करनी है तो हाउ यू कैन सेल दैट थिंग अफेक्टिवली विदाउट लूजिंग योर डोमिनेंस। हमारी सोसाइटी में एक सबसे बड़ा कंसर्न यह कि वेन एवर वी ट्राई टू सेल एनीथिंग वी आर एक्चुअली वी पुश सो मच अबाउट दैट प्रोडक्ट और सर्विस दैट इन ड्यू टू विच हम अपनी डोमिनेंस लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक जो बंदा खरीद भी रहा होता है वो खरीद इस इंटेंशन से रहा होता है कि माइट बी दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड और माइट बी दिस प्रोडक्ट इज़ फॉल्टी, बस आई एम जस्ट सपोर्टिंग दैट गाय बाय परचेजिंग दिस गुड। ऑल्दो एन एफिशिएंट सेलमैन इज एक्चुअली द वन जो टारगेट कस्टमर को टारगेट चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वंस यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग जो कि अगले का पेन पॉइंट एड्रेस कर रही होगी, तो वाई यू आर पुशिंग दैट थिंग इन अ वे के वाई यू आर लूजिंग द डोमिनेंस, यू आर द सोल्यूशन प्रोवाइडर, ही दैट पर्सन शुड बी थैंकफुल टू यू के यू आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस और यू आर गिविंग दैट प्रोडक्ट, रादर के दैट पर्सन इज पैथेटिक और जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन यू ऑन बींग के चलो लेट सपोर्ट दैट गाय। आज की वीडियो इज़ माई फेवरेट वीडियो बिकॉज ये वो मेरी फेवरेट टेक्निक है जो आई यूज टू अप्लाई ऑन माई क्लाइंट्स वेन एवर आई एम सेलिंग एनी थिंग दैट कुड बी अ प्रोडक्ट दैट कुड बी अ सर्विस। दैट स्ट्रैटजी इज नोन एज पी ई यू पी यू, ठीक है। अब वीडियो इज डिवाइडेड इन टू थ्री मेन पार्ट। द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट इज सॉर्ट ऑफ पार्ट जिनमें हम सीखेंगे कि हाउ यू कैन बी अ गुड सेल्समैन, बट द लास्ट पार्ट इज एक्चुअली द पार्ट जिसमें हम सीखेंगे हाउ यू कैन बी अ ग्रेट सेल्समैन। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, और वीडियो में मैंने सेगमेंट्स क्रिएट कर दिए, यू कैन वॉच वट एवर यू लाइक एंड स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम सबसे पहले फेज से स्टार्ट करते हैं, दैट्स पी। पी इज एक्चुअली फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन व्हाई प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेलिंग एनीथिंग, बिकॉज यू शुड नो के होम यू आर सेलिंग एंड व्हाट यू आर सेलिंग। बिकॉज अब अगर आपको यूजर पर्सोना आपके सामने क्रिएट है, यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड है के ऑफ योर टारगेट कस्टमर, तो यू शुड बी नोइंग के व्हाट आर देयर पेन पॉइंट, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर दिस सर्विस। मतलब अगर जस्ट इन केस दे वॉन्ट टू बाय दिस पेन, तो इस पेन में उनकी मेजर रिक्वायरमेंट क्या होगी। दे आर नॉट जस्ट बाइंग दिस पेन बिकॉज दिस इज अ पेन, दे मस्ट बी नीडिंग अ गुड ग्रिप और दे मस्ट बी नीडिंग सम फ्लुएंट राइटिंग और सम फीचर्स जिसकी वजह से वो ये पेन का बाइंग डिसीजन ले रहे हैं। तो अब हमें प्रिपरेशन के फेज में हमें ये डिसाइड करना होता है कि होम वी आर सेलिंग and what we are providing, what we are offering, and why that person is buying from you, ठीक है। तो वो जब हम decide कर लेते हैं, prepare कर लेते हैं, तो हम उसके accordingly अपने पास वो skill set, वो features, वो चीज़ें अपने product और service में incorporate कर लेते हैं जो actually हमारे target customer का pain point address कर रहे होते हैं, यानी कि we are the best solution provider for our target customer. This is actually the phase where sales effort actually starts. This is we call preparation. After that, there is another phase which is called emotions. Why emotion is necessary for the sales? Because people don't buy for the product, but they actually buy for the meaning behind that product. तो इस वजह से वो प्रोडक्ट इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि दे अज्यूम के वेदर माइट बी दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली फुलफिलिंग देयर गोल्स, माइट बी दिस प्रोडक्ट बाय बाइंग दिस प्रोडक्ट दे कैन अचीव, दे कैन हैव अ गुड एग्जाम पेपर। आपने मेजॉरिटी एड्स में देखा होगा दे यूज टू शोकेस अ ब्राइट स्टूडेंट, the position holder student with the in a ad of dollar pen or in a ad of pencil, ke aap agar ye suppose ye pencil aur ye pen use karenge to you can ace your exam, theek hai। aur isi tarah wo successful individuals ko dikha ke aapko wo cheez present kar rahe hote hain। this is all about emotions।
नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा इमोशन इसी तरह ही हो. मैनी टाइम दे आर गोल्स ओरिएंटेड, मैनी टाइम इट्स लाइक के अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग आउट अलॉट ऑफ पोटेंशियल दैट यू कैन अचीव विद दिस प्रोडक्ट. तो अब पॉइंट ये है कि अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम में प्रिपरेशन भी कर ली, उसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, प्लेस कैसे करना है, उसके इमोशंस को भी किया. तो नाउ वी आर एक्चुअली सक्सेसफुली बीइंग अ गुड सेल्समैन, बट द लास्ट फेज इज एक्चुअली द अर्जेंसी विच क्रिएट अ गुड सेल्समैन टू अ ग्रेट सेल्समैन. हाउ दिस इज पॉसिबल, लेट मी टेल यू. देखें अर्जेंट, अगर देखें एक चीज को आपने एक यूजर को कन्विंस कर लिया कि the solution you are providing is actually addressing the pain point, but at that point that individual says to you ke okay I'll be buying this but not right now, yani ke user ko apna pain point bhi samajh aa gaya aur us pain point ko address kaise karna hai wo solution bhi samajh aa gaya, yani ke he is very much convinced about buying this pen or anything jo uska jo product uska solution provide kar raha hai. बट अगर एट दैट पॉइंट यू लूज दैट कस्टमर, तो वो कस्टमर खरीदेगा ज़रूर, बट वो फिर करेगा ये कि वो आपके किसी कॉम्पिटिटर से जाके खरीद लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वुड बी मैनी अदर सेल्समैन एज वेल. तो उसको अब वो चीज़ सोल्यूशन चाहिए, ये वो कन्विंस हो चुका है, बट वो अभी चाहिए ये कन्विंस नहीं हुआ. अब ये कन्विंस करना एक ग्रेट सेल्समैन का काम है. अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, अर्जेंसी आप यू कैन क्रिएट विद द फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर आप उनको इस तरह कोई डिस्काउंट ऑफर करके वो अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, या यूं आप उनको कुछ लॉयल्टी ऑफर करके कोई के यू आर इनिशियल कस्टमर्स और इस तरह कुछ आप करके उनको वो अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, लाइक आई डिड इन द लास्ट वीडियो का URL इधर ही होगा, ठीक है. तो इस तरह आप अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं और उसकी वजह से द यूज़र एक्चुअली फाइंड द कॉल, यू कैन से ए क्लियर कॉल टू एक्शन, जिसकी वजह से वो कन्विंसिंगली वो प्रोडक्ट उसी वक्त बाय कर लेता. सो फ्रॉम टूडेज वीडियो वी हैव लर्न के हाउ टू बिकम अ सेल्समैन एंड हाउ टू बिकम अ ग्रेट सेल्समैन फ्रॉम अ गुड सेल्समैन. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो आई वुड लव के जस्ट लाइक दिस वीडियो, और कुछ और कनेक्टेड टॉपिक्स या इस टॉपिक में कोई एम्बिग्यूटी रह गई है तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं. और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, क्लियर कॉल टू एक्शन सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने. थैंक यू. लाइट भी तंग करने लग गई है, तो फिर आप वीडियो एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.